So now, after finishing chapter number 1 on MCQ based revision of automated business processes, we are into the next unit. The name of the chapter is Financial and Accounting System. Okay? Isme bhi apan chapter 1 ki tarah kya karenge? Pure chapter ko revise karenge, will take time. Aur har cheez ko MCQ ke saath saath definition, bade sawalon ke liye taiyar karenge. Jaise chapter number 1 mein 6 component the, main 6 cheeze thi. Chapter number 2 mein Financial and Accounting System mein चैप्टर ओवरव्यू को ध्यान से देखें, आपको कुल मिला के कितनी चीजें नजर आ रही हैं इसमें? 5 चीजें नजर आ रही हैं. ध्यान से देखें सब लोग, कितनी चीजें हैं इसके अंदर? 5 चीजें नजर आ रही होंगे आपको. एक एक चीज दिखा देता हूं मैं, कौन सी 5 चीजें हैं इसमें. पहला है इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम. मई 18 में 2 मार्क्स का सवाल इसके ऊपर पूछा जा चुका है, लेकिन मुझे लगता है फिर कुछ इससे हो सकता है, तो इस टॉपिक को भी मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, एटलीस्ट फॉर 2 मार्क्स इन May 19 पूछा जा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट है बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल एंड देयर इंटीग्रेशन विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम. मई 18 में 6 मार्क, नवंबर 18 में 5 मार्क्स पूछ लिया गया है, तो फिर कुछ और सवाल हो सकता है इससे भी 2 या 4 मार्क्स का. ये भी मैं मई 19 के लिए मान रहा हूं. ठीक है, नेक्स्ट है इसमें डेटा एनालिटिक्स. ये तो रिपीट हो गया, ये पोर्शन तो रिपीट हो गया. टॉपिक ये फर्स्ट है, ये टॉपिक सेकेंड है अपना. टॉपिक थर्ड है डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस. नवंबर 18 में 2 मार्क्स का सवाल पूछा जा चुका है डेटा एनालिटिक्स में, और मई 18 में 2 मार्क्स का सवाल हो चुका है बिजनेस इंटेलिजेंस BI के ऊपर. ठीक है, तो इसको अपन एमसीक्यू के लिए तैयार कर लेंगे. नेक्स्ट, ये सवाल नहीं पूछा गया है, मुझे काफी टाइम से एक्सपेक्टेड है, इस बार ये जरूर आ रहा है, वो है बिजनेस रिपोर्टिंग एंड फंडामेंटल ऑफ XBRL. ठीक है, ये सवाल मई 19 के लिए मैंने पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट मार्क कर रख रखा था. 4 मार्क्स का ये सवाल हो सकता है आपका मई 19 के लिए. ठीक है ना, XBRL के ऊपर. उसके बाद एप्लीकेबल रेगुलेटरी एंड कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट का सवाल मैंने आपको करवा रखा है, और नवंबर 18 में 4 मार्क्स के ऊपर इस पर सवाल आ चुके हैं. तो इंपॉर्टेंट कौन कौन से हो गए उसमें? इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम हो सकता है, बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल के ऊपर सवाल हो सकता है, और XBRL के ऊपर सवाल हो सकता है. ये इंपॉर्टेंट है. जिस तरीके से चैप्टर 1 जो है वो 12 मार्क्स के लिए था, वैसे ये चैप्टर कितने मार्क्स के लिए है? 10 मार्क्स के लिए. अगर आप इसको एनालिसिस करके देखोगे ना, तो आप पाओगे मई 18 में 10 नंबर के सवाल पूछे गए हैं, नवंबर 18 में 10 नंबर के सवाल पूछे गए हैं, तो मई 19 में भी हम एक्सपेक्ट करते हैं इससे 10 नंबर के सवाल आ सकते हैं. चैप्टर 1 वाज फॉर 12 मार्क्स, तो आपका ये चैप्टर कितने नंबर के लिए आ सकता है? 10 मार्क्स के लिए तो आ सकता है, जिसमें 4 नंबर तो आप XBRL पे एक्सपेक्ट करें, बाकी के सवाल ऊपर से हो सकता है.